अच्छा, आप लोग विचार करें कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, भागवत में लिखा है कि मत्तम प्रमत्तम उत्पन्नम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, इन लोगों को किसी भी हालात में बध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, है ना? कौन कौन से लोग? मत्तम प्रमत्तम उत्पन्नम, जो मतवाला व्यक्ति हो, जिसको मतवाले का मतलब जिसको अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है, उसको जिसको हम पागल कह सकते हैं, अगर वो गलती कर दिया हो तो उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, है ना? और अगर कोई शराब पी लिया हो, है ना, शराब यानी नशा कर लिया हो, और वो भी अगर गलती करता है उसको दंड दो, पर प्राण दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र ने कहा, शराब पीने पर भी। अच्छा, एक बात और है कि शराब पीने के तीन लाभ हैं, जो पीते हैं लोग तो पीने वाले तो थोड़ा हमें लगता है कि होशियार ही होंगे, बुद्धिमान भी कर सकते हैं या चालाक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नहीं पीते उनको वो ज्ञान ही नहीं है। शराब में ऐसी वस्तु पाई जाती है कि दुनिया की किसी वस्तु में वो तत्व तो नहीं पाया जाता, है ना? जिनको नहीं पता है वो मैं बता रहा हूं, और जो पीने वाले हो तो ध्यान से ही सुनेंगे। जो शराब का गुण है दुनिया में किसी वस्तु में गुण नहीं है। शराब पीने से तीन फायदे हैं। अच्छा, आज तक जो है मैं किसी को मना नहीं करता हूं शराब पीने के लिए, उसकी विशेषता बताता हूं। एक मैं ही पहला कथावाचक हूं जो मैं मना नहीं करता हूं उसमें, और मैं गुण दिखाता हूं, लोग उसमें दोष दिखाते हैं ना शराब में, और मैं उसमें गुण दिखाता हूं। जो पीने वाले हैं तो गौर से सुनेंगे, और जो नहीं पीते हैं वो सुने या नहीं सुने चलेगा। शराब पीने के तीन लाभ हैं, तीन फायदे। पहला फायदा तो ये है कि शराब पीने से कुत्ता नहीं काटता। कोई व्यक्ति बतावे कि शराब पीने वाले को रात्रि में चले या दिन में चले, कभी कुत्ता नहीं काटेगा। शराब पीने से पहला फायदा ये है कि शराब पीने से कुत्ता नहीं काटता। दूसरा लाभ है कि शराब पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती, है ना? और तीसरा लाभ है कि शराब पीने वाले को नहाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तीन लाभ। आप पूछेंगे कि नहाने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? बोले दिन भर तो उसके शरीर के अंदर में जल ही जल है, तो अलग से जल कौन मंगाए? नहीं, आप तो चपाकल नल और टंकी के जल से नहाओगे, वो तो और वीआईपी, वो तो बोतल वाला जल डालता है, वो तो है ना, वो तो और प्रोफेशनल वाटर से जब ले लिया है तो फिर साधारण जल से क्या आवश्यकता है नहाने की? तो जब शराबी लेता है तो सुबह से लेकर शाम तक कभी नली में गिरा है, कभी गली में गिरा है, तो जल ही जल है, तो नहाने की क्या जरूरत है? इसलिए नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात कि शराब पीने वाले के घर में चोरी नहीं होती। जब कुछ बचा रहेगा तब तो चोर जाएगा, चोर तो मालदार घर में जाएगा ना, हाँ, तो कभी चोर नहीं जाएगा, जानेगा, चोर को पता हो जाएगा ना कि वो पीने वाले का घर है, तो बोले यार उसमें कुछ माल नहीं बचा होगा, तो उसके यहाँ चोर नहीं जाएगा, ठीक है ना? और शराब पीने का तीसरा लाभ ये है कि शराब पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। आप पूछेंगे क्यों नहीं काटता? क्योंकि शराब पीने के बाद व्यक्ति इतने जोर जोर से भूखता है, कुत्ता भी सोचता है हमसे बड़ा कुत्ता है।